बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज एफएससी यानी फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो है वो आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। नंबर एनालिसिस में एक्सरसाइज 1.2 पे हम लोग मौजूद थे। लेक्चर नंबर हमारा 8 है, मार्क्स 2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, iota equal to square root minus 1। नॉर्मली हम iota square equal to minus 1 लेके आते हैं। तो iota square equal to minus 1 प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, इसकी ब्रीफिंग भी दी। आज उसी तरह हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 सिमल्टेनियसली चलाएंगे। कुछ में इसमें आर्टिकल जो है 1.2 और 1.3 में आइडेंटिकल है, जिसको आप यही है कि वो एक ही लेक्चर में हम लोग इसको कर लें। इसमें इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा टुडे आर्टिकल, उसमें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, फिर एक्सरसाइज 1.3 पेज आप ओपन करें 17 पे एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आयोटा की इंटीग्रल पावर को आपने सिंप्लीफाई करना है, और इसी तरह का एक्सरसाइज 1.3 उसको भी सिंप्लीफाई करना है, उसमें पेज जो है वो 28 है। ये दोनों मैं पार्ट आपको कर रहा हूँ। फिर एडिशनल हम एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि ये एक दो दफा बोर्ड में लाजमी है, आया भी है और मैंने चेक करके भी दिया था। एक्सरसाइज 1.2 में ही क्वेश्चन नंबर 15 था। देखिए इवन पावर ऑफ आयोटा, प्रीवियस लेक्चर में आयोटा 4 रखे हो, आयोटा 6 या आयोटा 8 और इस तरह की एक आपके पास सीक्वेंस हो, तो आपको मैंने बताया था कि ये सीक्वेंस जो है वो प्लस 1 और माइनस 1 के बिटवीन रहती है। जैसे कि ये आयोटा स्केयर होल स्केयर माइनस 1 स्केयर डेट इज 1, आयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 याद रखिएगा नेगेटिव पावर की 1 हो तो हमेशा वो अपना साइन चेंज कर देती है। इसी तरह आयोटा 6 हो, आपने आयोटा स्केयर ही में लेना है क्योंकि जनरल फॉर्म जो है वो आयोटा स्केयर ही के पास हमारे पास मौजूद है। होल पावर 3, 2 3 6 और फिर इसे माइनस 1 होल पावर 3, और अगर माइनस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं यानी कि और पावर में लेके आऊं तो ये साइन वही रिटेन रखती है। इसी तरह आयोटा 8 को रखूं तो वो 1 आएगा, तो ये 1 माइनस 1 माइनस 1 फिर माइनस 1, ये एक सिस्टम सा ग्राफ होगा जो कि इवन की एक प्रॉपर्टी है। अगर आप और पावर में लेके आए यानी कि आयोटा क्यूब या आयोटा 5 या आयोटा 7 और इसी तरह का एक सीक्वेंस डेवलप करें, तो आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्केयर इनटू आयोटा में कन्वर्ट करें, यानी कि इसमें से एक पार्ट जो है वो इवन का और एक जो है वो सिंगल पावर यानी कि ओड में ले आए, ये माइनस 1 है और ये माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह आयोटा 5 आयोटा 4 इनटू आयोटा, और आयोटा 4 को हम पहले ही यहां डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज 1 इनटू आयोटा दैट इज आयोटा। इसी तरह आयोटा 7 को डिस्कस करें तो आयोटा 7 की इंटीग्रल पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो आयोटा 6 यानी कि एक इवन पावर जो उसके क्लीप टू इन होल नियरेस्ट हो एंड देन आयोटा। नाउ आयोटा 6 जो है वो दैट इज माइनस 1, वो माइनस 1 और ये आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा है। तो ये देखें और पावर जो इंटीग्रल पावर्स में आते हैं उनका भी एक सीक्वेंस बन रहा है जिनके माइनस आयोटा और आयोटा, तो ये माइनस आयोटा और आयोटा के दरमियान, और इवन पावर जो है वो ऑब्वियसली 1 और माइनस 1 के साथ साथ कन्वर्ट होती है, ये उनकी वैल्यू है। फ्रैक्शनल फॉर्म्स जो है, फ्रैक्शनल फॉर्म्स में ये है कि अगर ये 1 आवर आयोटा में आ जाए या आयोटा पावर 2 आवर 14 आ जाए, तब इसको किस तरह डिस्कस करें कि आपकी बुक में एक पार्ट ऐसा है और वो एक पार्ट ही इस पूरी एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहा है, ये आज के लेक्चर को बता रहा है। ये था एक रिव्यू
जो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने सिर्फ हल्का सा टच दिया है, अगर उसे गो थ्रू करना चाह रहे हैं तो इसके प्रीवियस लेक्चर देखिए, सुनिएगा, वॉच करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2, सिंप्लीफाई करना है। अयोटा 14, इसका मतलब है अयोटा पावर वेक्टर है इवन, आपका आंसर जो है वो 1 और -1 के बिटवीन है। बस ये एंड ये फॉरन ही आप देख लीजिए, इसको आप अयोटा स्क्वायर होल पावर 7 लिख लें, 2 7 14, यानी कि यहां आपने अयोटा स्क्वायर भी लेके आना है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। नाउ -1 होल पावर 7 यहां आप लिख लें बिकॉज अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस पावर अगर इवन होगा तो अपने ही साइन को वो चेंज नहीं करेगा, दैट इज अ -1 एंड दिस वन इज योर फाइनल आंसर, अ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ अयोटा 14। नेक्स्ट पे आए माइनस अयोटा 19, ये होल पावर माइनस अयोटा 19, दैट मीन आपका जो आंसर है वो अयोटा और माइनस अयोटा के बिटवीन लाइ करेगा। इनकी एक चीज आपने साफ लेके चलनी है, अगर आपको आपकी मंजिल का पता लग गया तो बहुत आसान होता है, इसके आप रूल के मुताबिक अगर आप याद हो पावर इंडेक्स, ए बी होल पावर एन को हम ए एन और बी एन लिख सकते हैं। यहां आपको नेगेटिव साइन नजर आ रहा है, यानी कि -1 × 19 × iota 19 लिख ले। लिखने के बाद -1 अपनी पावर और की बिना पर ये -1 देगा, अयोटा 19 को अयोटा 18 इंटू अयोटा लिखिए और अयोटा 18 को 10 पावर में लेके आए, दैट इज इक्वल टू -1 इंटू अयोटा, दैट इज अ -1 इंटू अयोटा स्क्वायर होल पावर 9, दैट इज 2 9 18, दैट इज अ -iota × -1 power 9। जब आप -1 power 9 लेंगे तो अगेन इसका माइनस जो है वो बाहर वाले के माइनस को प्लस कर देगा एंड दैट इज अयोटा इज योर आंसर। फिर देख लें -1 और अयोटा दो सिंपल करने से ए और बी के लिहाज से, -1 की पावर अगर 19 लेंगे तो वो -1, अयोटा 19 जो है वो अयोटा 18 इंटू अयोटा में स्प्लिट होगा। रूल जो मैंने आपको बताया कि इवन को आप क्रीप क्रीम इवन पावर को सेपरेट करें क्योंकि उसे आपने अयोटा स्केयर की फॉर्म में लेके आना। नाउ अयोटा स्केयर ऑलवेज इक्वल टू -1 -1 power अगेन और अगेन अ माइनस साइन, वो के बाहर वाले माइनस साइन से प्लस हो जाएगा और सिंपल आपको आंसर जो है वो अयोटा देगा। अब आ रहे हैं इनकी फ्रैक्शन फॉर्म -1। अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम सर, यहां तो अयोटा है ही नहीं, लेकिन आपको ये याद रखिएगा कि अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहां आप -1 की बजाय आप अयोटा स्क्वायर लिखें और होल पावर -21/2, ये 2 इस अयोटा स्क्वायर से कैंसिल होगा। क्लियर हो गया? नाउ अयोटा -21 को आप 1/(αi)21 लिख लें because a power n जो माइनस एन जो है वो 1/(a)n लिखी जाती है, दैट इंडेक्स रूल। अब डिनोमिनेटर में अयोटा जो है वो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में नहीं कहलाती। अब आपने कोशिश ये करनी है कि अयोटा जो 21 डिनोमिनेटर में है उसको आपने न्यूमिनेटर्स में ले आना है। वो कैसे? डिनोमिनेटर्स का कॉन्जुगेट ले लें और उससे आपने रेशनलाइज कर ले -iota 21/-iota 21। लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है, बजाय कि हम इसको करें पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन में क्या है कि 1/(iota 20) × iota लिख लें, 1/20 यानी कि 1/(iota 20 यानी कि 2 power 10, 1/(iota² / 10 × iota 1/(iota) ये 1/(iota) में आप ले आइएगा
अब 1 आवर आयोटा में आपको इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रेज कर रहा हूं, यहां ले आते हैं थोड़ा सा। नाउ 1 आवर आयोटा इंटू माइनस आयोटा आवर माइनस आयोटा, इस आयोटा का कंजुगेट ले लीजिएगा, बजाय कि आप आयोटा 21 का कंजुगेट लें, आप इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद उसका कंजुगेट लें। नाउ नेक्स्ट, माइनस आयोटा आवर माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा, नाउ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, साइन खत्म, और ये माइनस आयोटा, एंड दैट इज योर आंसर। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको थोड़ा अरेज करके आपको समझाता हूं। फोर्थ पार्ट, माइनस वन होल पावर माइनस 21 ओवर 2, माइनस वन को आयोटा स्केयर लिख लें, आयोटा स्केयर वो स्केयर इसके फ्रैक्शनल्स 2 से कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस 21 डिनोमिनेटर में पावर चेंज कर दे, 1 आवर आयोटा 21, 20 इंटू 1 को सेपरेट कर दें, आयोटा 20 जो है वो आयोटा स्केयर इंटू 10, नाउ आयोटा स्केयर माइनस 1 और वो माइनस 1 इंटू आयोटा स्केयर पॉजिटिव हो गया। नाउ 1 आवर आयोटा को रेशनलाइज कर दें उसके कंजुगेट के साथ, कंजुगेट के साथ रेशनलाइज करने के बाद अगेन आयोटा स्केयर को आप माइनस 1 रख लीजिएगा। तो ये एक वो सिस्टम है जो इंटीग्रल पावर्स को आपने सिंप्लीफाई करना होता है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2। अब आप ओपन करें पेज 28, यस 28 पेज ओपन करें, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आएगा, यस क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड और थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूं, फर्स्ट डेफिनेटली आसान है, इसमें माइनस वन भी है, ए भी है और आयोटा भी है और इसकी होल पावर 4 है, और यहां उन्होंने कहा कि ए कोई भी एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। आपने इनके 3 पार्ट कर लेने हैं, यानी कि माइनस वन की पावर 4, माइनस वन कैसे है, ये माइनस वन ही है, यानी कि माइनस ए को आप माइनस वन इंटू ए भी लिख सकते हैं ना, तो लिहाजा ये वो चीज है। तो इधर है नाउ ए पावर 4 और आयोटा पावर 4, तीनों को सेपरेट कर लिया, माइनस की पावर इवन हो तो ये प्लस हो गया, आयोटा से हमारा कोई लेना देना नहीं, ए से हमारा कोई लेना देना नहीं, नाउ आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर होल पावर 2, नाउ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, यहां आप माइनस 1 की पावर 2, नाउ ए 4 इंटू 1, तो माइनस 1 इवन में है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ए 4, दैट इज योर आंसर ए पावर 4। तो ये पूरे के पूरे स्टेप आपने लिखने हैं। नाउ पार्ट नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड आयोटा पावर माइनस 3, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, अगेन इसकी पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, पहला स्टेप करने के बाद इसके फर्दर मैं यहां ले आऊं 1 आवर आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया, हिस्ट्री में बताया कि क्यूब जो है उसको इवन पावर, नियरेस्ट इवन पावर में लेके आए, नाउ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहां आ गया 1 आवर माइनस आयोटा। क्लियर हो गया यहां तक, यहां आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर लें चाहे आप इसे वर्टिकल सॉल्व कर लें। चले इसी को उठा के मैं इधर ले आता हूं, 1 आवर माइनस आयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में जहां आयोटा है उसका कॉन्जुगेट आपने लेना, माइनस आयोटा हैव अ कॉन्जुगेट ऑफ प्लस 1 आयोटा या प्लस आयोटा, आपने आयोटा से आपने इसे रैशनलाइज कर दीजिएगा, 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा, एंड माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा दैट्स अ माइनस आयोटा स्क्वायर, अगेन
आयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस वन, यानी कि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू आपने फीड करनी है। ये आ गया है आयोटा अवर माइनस इंटू माइनस वन, अगेन यहां आप लिखेंगे आयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो आयोटा अवर वन रहेगा। डिनोमिनेटर्स में फ्रैक्शंस में वन नहीं लिखा जाता, नॉर्मली रूटीन में आयोटा रह गया, एंड दैट इज योर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म ऑफ आवर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 28। तो ये इंटेग्रल पार्ट थे, ये ही पेपर में आए। इसके पेपर या तो ये एमसीक्यूज में आते हैं, एमसीक्यू वन मार्क्स का होगा, या ये टू मार्क्स के होंगे। इसमें जो मेरा जो हॉट फेवरेट होगा वो ये थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ प्रीवियस एक्सरसाइज 1.2। क्लियर, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पे आए, थोड़ा सा मैं और बताना चाह रहा हूं इसी फैमिली का, ताकि एक थोड़ा एडिशनल वर्क कर रहा हूं कि ये कितना प्यारा काम है कि हम इसे किस तरह हम इसे आयोटा में कन्वर्ट करके, जो पहले हम छोटी जो जूनियर सेक्शंस में ये फैक्टराइजेशन जो थी वो हम इसे कंप्लीटिंग द टारगेट आस्केरिंग करके करते थे। अब देखें 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, इसको अपने फैक्टराइज बनाना है। अगर इन दोनों के दरमियान माइनस होता तो आप ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला यूज कर लेते और बड़े आराम से सॉल्व करके आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल आते हैं या अपने पेपर्स को नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। देखिएगा इसे माइनस बनाएं, क्योंकि आयोटा का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो आप यहां लिखेंगे 9a स्केयर माइनस इंटू माइनस 16b स्केयर, ये आप लिख सकते हैं, मैथ का रूल है। इन इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में फर्क इसलिए नहीं है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये माइनस आपका क्या रोल अदा करेगा, क्योंकि ये माइनस वन इंटू 16 लिखा जाएगा, तो माइनस वन जो है डेट इज अ आयोटा स्केयर। यस, ये आयोटा स्केयर में चला गया, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया। ये आ गया 9a स्केयर माइनस 16 आयोटा बी स्केयर। क्लियर हो गया, यानी कि इस माइनस को हमने यूज कर लिया आयोटा स्केयर में। नाउ माइनस 16 आयोटा स्केयर बी स्केयर, अब इनका स्केयरिंग लिख सकते हैं आप। 9a स्केयर को आप नॉर्मली 3a होल स्केयर लिखें और ये 4 आयोटा बी होल स्केयर लिखा जाएगा, क्योंकि 16 4 आयोटा स्केयर आयोटा और बी जो है वो बी स्केयर का बी जो है उसको बी स्केयर को आप बी होल स्केयर लिख लें। अब ये फॉर्मूला ड्रग हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफे ने प्लस कर दे, एक दफे से माइनस कीजिएगा, 3a माइनस 4 आयोटा बी एंड 3a प्लस 4 आयोटा बी, एंड दिस वन इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो ये इसी तरह आप इसका पार्ट वन करना है, पार्ट वन आसान था, उसमें आपने बस वही प्लस को जिस तरह जिस मेथड में मैंने आपसे ये कहा उसी मेथड को आपने प्रेफर करना। नेक्स्ट पे है थर्ड पार्ट में, सबसे पहले फैक्टर है, उसने फैक्टराइज का नाम दिया, 3 कॉमन यानी कि फैक्टर्स में ले आए, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप, प्लस को माइनस करें। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस इनटू माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट को थोड़ा सा एक और एक्सटेंड कर लें, दैट्स अ 3। ये माइनस जो है आप फिर इसे माइनस वन जो है उसको आप कन्वर्ट कर दें आयोटा स्केयर में। नाउ 3 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर आयोटा स्केयर, क्लियर हो गया। यहां ये वाला माइनस वन जैसे रूल के मुताबिक आयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर दिया, ये बाहर माइनस है, ये माइनस माइनस अगर प्लस करें तो ये इस एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ा, एक दफा से प्लस और एक दफा माइनस कर लीजिएगा। नाउ 3 एक्स माइनस वाई आयोटा, नाउ एक्स प्लस
वाई आयोटा। तो ये फैक्टराइजेशन जो है हमें बड़ी आसानी से जो है आयोटा हमें अलाउ करता है कि बजाय हम किसी और मेथड में जाएं उसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम मजीद अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।